दोस्तों, अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का रोमांचक घमासान देखने के लिए उत्साहित हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच रोमांचक प्रैक्टिस टेस्ट के तीसरे दिन का जबरदस्त मैच हो चुका है शुरू। चौकों की बरसात करके रोहित शर्मा ने पहुंचा दिया स्कोर को 700 रन के पार। तो आखिरकार क्या चल रहा है टीम इंडिया का स्कोर? क्या दोहरा शतक रोहित लगाने के बाद 13 शतक लगा पाएंगे? सब कुछ हम आपको वीडियो में भारत की बल्लेबाजी लाइव दिखाने जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी की क्या राय है कि भारत और बांग्लादेश में से कौन सी टीम तीसरे दिन का मैच अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत जल्द दो टेस्ट मैचों की सीरीज का रोमांचक घमासान शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक प्रैक्टिस टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें टीम इंडिया किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहती है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला प्रैक्टिस टेस्ट मैच चेन्नई के चेबॉक क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है। और दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ हुई, जहां उन्होंने पिच को भलीभांति भांपते हुए सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों, दूसरे दिन टीम इंडिया के तीन बड़े विकेट गिर चुके थे और भारत की टीम काफी ज्यादा दबाव में नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने अपने आप को संभाला और जैसे तैसे करके रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों का पूरा फोकस बस इसी बात पर था कि अपनी टीम को यहां कम से कम 300-400 रन के पार लेकर जाया जाए, तभी मैच में बात बन पाएगी। और दोस्तों, यहां पर विराट कोहली ने जहां 98 रन बनाकर भारतीय टीम को इस मुश्किल पिच पर बचाया, और दोस्तों यहां पर जैसे ही विराट कोहली 98 रन पर पहुंचे थे, तभी तस्कीन अहमद ने उनको अपने जाल में फंसा लिया था। और वहां विराट कोहली का विकेट जब पहले दिन गिरा, तो फिर रोहित शर्मा और सरफराज खान ने दिन का खेल समाप्त होने तक बल्लेबाजी को आगे जारी रखा। और यहाँ टीम इंडिया ने अपने 5 विकेट 5 गंवाकर 500 रन दूसरे दिन के मुकाबले में बनाए थे। और आज तीसरे दिन भारतीय टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी, तो रोहित शर्मा ने 190 रन से आगे खेलना शुरू किया, तो सरफराज खान ने 96 रन से अपने आगे अपनी बल्लेबाजी जारी रखी। अब दोस्तों, यहां इन दोनों बल्लेबाजों का पूरा दारोमदार था कि अपनी टीम को कैसे भी करके 600 रन के पार लेकर जाया जाए। और दोस्तों, आज तीसरे दिन का मैच जब शुरू हुआ, तो रोहित शर्मा और सरफराज खान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को पहले 550 तो फिर देखते ही देखते 600 रन के पार पहुंचा दिया। और अब सबसे खास बात तो यह थी कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपना दोहरा शतक भी जड़ दिया। जिस तरह से रोहित शर्मा और सरफराज खान बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो देखकर तो यही लग रहा है कि तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम 700 से अधिक भी आंकड़ा पार कर सकती है। और टीम इंडिया अपनी पारी डिक्लेयर करके बांग्लादेश को बैटिंग करने का भी न्योता दे देगी। यदि 1-2 विकेट गेंदबाजों को मिल जाए, तो भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी। वहीं दोस्तों, अगर अब प्लेइंग 11 के बारे में टीम के बारे में बता दें, तो बांग्लादेश की जो प्लेइंग 11 टीम खेल रही है, उसमें सदमान इस्लाम और जाकिर हसन जहां बल्लेबाज बांग्लादेश के लिए ओपनिंग क्रम में तहलका मचाते हुए हमें नजर आएंगे, तो मध्य क्रम में कप्तान नजमल हुसैन संतो, मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम और लिटन दास जैसे खूंखार बल्लेबाज है जो टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में शाकिब अल हसन और मेहंदी हसन मिराज गेंद और बल्ले दोनों से मैच पलटने में माहिर हैं। तो गेंदबाजी डिपार्टमेंट में हसन मोहम्मद, तस्कीन अहमद और नाहिद राणा उनके सबसे बड़े हथियार हैं। तो वहीं भारत की प्लेइंग 11 टीम में भी कई बड़े बदलाव रोहित शर्मा ने किस लिए किए थे कि अपनी बल्लेबाजी को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और सरफराज खान को मौका मिला है। तो वहीं ऑलराउंड डिपार्टमेंट में रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया की बैकबोन है। तो वहीं गेंदबाजी डिपार्टमेंट की कमान सरफराज खान, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव के मजबूत कंधों पर सौंपी गई है। तो ऐसे में दोस्तों, यही है प्लेइंग 11 टीम है अब भारत और बांग्लादेश की, जो कि आज खेल रही है तीसरे दिन के मुकाबले में। हालांकि दोस्तों, अब यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा अपनी टीम को यहां से कितना आगे तक ले जा पाते हैं। अगर भारत ने बांग्लादेश के आगे पहली पारी में 700 रन के करीब रन बना दिए, तो भारत की टीम को काफी अच्छी खासी बढ़त हासिल हो जाएगी और टीम इंडिया इस मुकाबले में वापसी करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में जीत हासिल करेगी, जो सभी चाहते हैं बड़े अंतर से ये मैच भारत को जीतना है। तो ऐसे में दोस्तों, अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी दमदार बल्लेबाजी को देख लेने के बाद? और आप टीम इंडिया के बल्लेबाजों को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। आज भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और सारी हदें ही पार हो गई, जहां अंतिम गेंद तक ये बता पाना
नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी, जहां बांग्लादेश के 246 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टी20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसमें कौन बाजी मार पाया, अंतिम ओवर में कितने रनों की जरूरत थी, क्या रिंकू और सूर्या मिलकर टीम इंडिया को जीत दिला पाए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि इंडिया और श्रीलंका दौरे की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। यहां बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना, और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले। लेकिन दोस्तों, यहां पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को जसप्रीत बुमराह ने दिया, जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो। जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते हैं, उससे पहले ही लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 20 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिखाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रनों की साझेदारी कर डाली। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को लेकर आएंगे, और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने शाकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे महमदुल्ला, वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी और दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 74 रन ठोक डाले थे। अब यहां से मैच पूरी तरह से फंस चुका था। तभी अर्शदीप ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई, लेकिन महमदुल्ला ने साथी बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया। इस दौरान महमदुल्ला ने जहां 53 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 245 रन बनाने में कामयाब रही, और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज़्यादा 4 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहे, तो वहीं एक एक विकेट अर्शदीप सिंह और रियान पराग के नाम शामिल रहे। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों, टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ खतरनाक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलवाएंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे। वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और फील्डर को अपना आसान सा कैच देकर इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन फिर भी वो इस मैच में केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों, अभिषेक का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब अभिषेक जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या और यशस्वी जायसवाल पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। शाकिब हसन के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंदों पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए, तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्कों से ही बात कर रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंदों में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हुए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के दो सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम नहीं रखता था। अब दोस्तों, यहां टी20 के शूरवीर रिंकू सिंह ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी
विदेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो ये थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी, यहाँ तक कि रिंकू भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी खूबसूरत बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अपना अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर मौजूद थे रिंकू सिंह।